कहते हैं कि यदि सच्ची मोहब्बत हो तो दुनिया की कोई ताकत इश्क करने वालों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मोहब्बत की ऊंची दीवार के आगे सारे बंधन बोने हो जाते हैं। यही नरसिंहपुर जिले के एक प्रेमी युगल के एक होने के वक्त देखने को मिला। ये कहानी उस दौर में ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब धर्मांतरण, गैर मजहब में शादी या लव जिहाद जैसे आरोपों के मामलों की बाढ़ हो। 5 साल पहले आम गांव की रहने वाली हिंदू लड़की सोनाली राय और चिचली के रहने वाले मुस्लिम लड़के फाजिल खान के बीच दोस्ती हुई। वक्त गुजरा तो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फिर करीब 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। कानूनी मान्यताओं के साथ जिंदगी भर साथ रहने के लिए शादी जरूरी थी। दोनों बालिग तो थे लेकिन हिंदू मुस्लिम मजहब की दीवार खड़ी थी। सवाल था, बिना किसी सामाजिक अड़चन के शादी हो तो हो कैसे? किसी एक को अपने धर्म की कुर्बानी देकर इस बंधन को मजबूती दी जा सकती थी। सोनाली फाजिल दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत तो करते हैं। सोनाली ने शादी के लिए फाजिल खान से शर्त रखी कि उसे हिंदू रीति रिवाज से ही साथ फेरे लेने होंगे। आमतौर पर ऐसी स्थितियां विकट हो जाती हैं, लेकिन फाजिल खान अपने मजहब की दीवार को फांद कर सोनाली के प्यार के बंधन में हमेशा के लिए बंधने चला गया। नरसिंहपुर के राम मंदिर में उसने हिंदू रीति रिवाज से सोनाली के साथ साथ फेरे लिए। इतना ही नहीं, हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगवाते हुए उनसे हिंदू धर्म अपना लिया। साथ ही उसको नया नाम अमन रॉय मिल गया। फाजिल खान अब अमन रॉय के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, वैधानिक तरीके से ये कपल कोर्ट मैरिज भी कर चुका है। अमन ने बताया कि उसके पिता भी हिंदू ही थे, माँ मुस्लिम थी। 6 साल बातचीत हुई है मोबाइल में, तो हमको रहते हुए 2-3 साल हो गए साथ में। अब शादी की है। पता था तुम्हें ये कौन है, कौन धर्म से बिलोंग करते हैं? हाँ पता था। क्या? पहले मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, बट वो हिंदू कास्ट में आना चाहते थे, इसलिए मैं तैयार हुई थी शादी करने के लिए। मेरी मुलाकात सोनाली से हुई, वो हिंदू कास्ट की लड़की थी। हम दूसरे को एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी करी हमने। शादी करने के बाद फिर मैंने ना हिंदू कास्ट में को अच्छा लगता था, तो मैंने हिंदू कास्ट में अपने स्वागत वापसी की। पिताजी भी मेरे हिंदू थे। जो हुआ बताई साथ, उसको कैसे लेते हो आप? हाँ, जो बताई साथ हुआ वो उसको कैसे मानते हो आप? अब वो पिताजी ने तो धर्म चेंज कर लिया, मेरे मुस्लिम हो गए वो, तो मेरे को अब उस धर्म में अच्छा नहीं लगता था। मेरे को जिस धर्म में अच्छा लगता है मैं उसमें आ गया हूँ। माँ मुस्लिम है? हाँ, माँ मुस्लिम है मेरी। आज के पहले आपका क्या नाम था और आज राम मंदिर में भगवान राम की शरण में आने के बाद क्या नाम हो गया आपका? पहले मेरा नाम फाजिल खान था, अब मेरा नाम अमन राय हो गया है।